स्टार्ट फंडामेंटल्स ऑफ यूजुअल डेटा कंप्रेशन इसमें आपके फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल डेटा कम्परेशन में दो टॉपिक्स आपके कवर होते हैं फर्स्ट वन इज द रिडन और सेकंड वन इज द डेटा कंपरेशन डेटा कंपरेशन अपन पहले ही कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द डेटा कंपरेशन हाउ इट इज़ वर्क ऑफ डेटा कंप्रेशन अपने लास्ट क्लास में बात की थी डेटा कंपरेशन क्या होता है कैसे आपका वर्क करता है तो टूडे वी स्टडी अबाउट रिडन बेसिकली तो बेसिकली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी पहले भी वट इज़ द रिडनडेंट डेटा आपका रिडनडेंट डेटा क्या होता है बेसिकली जो डेटा आपका क्या हो रहा है बेसिकली रिपीट हो रहा है या जो अननेसेसरी डेटा है आपके कहाँ पे इमेज पे अगर उस डेटा को अपन रिमूव कर देते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर क्या नहीं होगा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो बेसिकली वो डेटा आपका किस में आता है आपका रिटर्नडेंसी में आता है और उस डेटा को आप बोलोगे कौन सा डेटा है आपका रिटनडेंट डेटा अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका यूजलेस डेटा दैट नॉट एफेक्ट ओरिजिनल इमेज क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी रिमूव दैट डेटा फ्रॉम द इमेज इंफॉर्मेशन बट आपकी जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए आपकी एक्चुअल इमेज रहनी चाहिए उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए आपकी पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज के साथ में जब भी अपन रिडनडेंस रिडनडेंट डेटा को रिमूव करेंगे अपनी पर्टिकुलर इमेज से तो उसका ओरिजिनल आपकी इमेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडनडेंसी इमेज कंप्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन इमेज पर्टिकुलर आपकी जो भी इमेज है उसमें जो भी आपका डेटा है जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है इस इमेज को एक रिप्रेजेंट करने के लिए तो उस डेटा में से अपने को क्या करना है डेटा को रिमूव करना है बेसिकली इमेज कंप्रेशन इज यूज यूज इन मैनी एप्लीकेशंस अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू अपन क्या करते हैं पर्टिकुलर इमेज को कंप्रेशन करते हैं इमेज की साइज अपन रिड्यूज करते हैं उसमें आपकी क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनका मेनली यूज़ करते हैं दैट इज़ द टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिमोट सेंसिंग डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल इमेजिंग एंड द फेसिमाइल ट्रांसमिशन दैट इज कॉल्ड फैक्स दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी आर यूज फॉर रिमूविंग द रिडनडेंट डेटा और बाई यूजिंग दीज एप्लीकेशंस वी कंप्रेस योवर ओरिजिनल इमेज In a decompressed format, yeah, compressed format. Or again, if you if we want the original image, we decompress the compressed image and find out the original image. The data compression refers to the process of reducing the amount of data required to represent a given quantity of information. हेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर नोट द सेम डेटा आर द मीन बाई विच इंफॉर्मेशन इज कन्वेड एंड वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी यूज टू रिप्रजेंट द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स अपन ने लास्ट क्लास में जब कंपरेशन की बात की थी वॉट इज द इमेज कंपरेशन तो वहाँ पे अपन इन सब टॉपिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं पहली द डेटा कैन हैव इन रिलीवेंट टू रिपीटेड इंफॉर्मेशन आर कोल्ड रिडेंडेंट डेटा अब वॉट इज द रिडेंडेंट डेटा जो आपकी इन क्या है आपकी इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है या इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर उस डेटा को इन रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को आप रिमूव कर देते हो या जो भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन है उसको अगर रिमूव कर देते हो तो जो आपका इनरेलीवेंट और रिपीटेड इंफॉर्मेशन है आपकी किसी भी इमेज में दैट इज कॉल्ड रिटेंडेंट डेटा दिस इज द इंपॉर्टेंट it is irrelevant and uh, repeated information okay techniques for reducing the स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज और द बैंडविड्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इट अपन ने बात की थी कि क्या बेनिफिट्स हैं किसके डेटा कंपरेशन के तो वहाँ पे अपन ने क्या की थी कुछ टेक्निक्स क्यों यूज़ की थी वो उससे क्या हो रहा था आपका स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या हो रही थी आपको मिनिमम हो रही थी रिड्यूज़ हो रही थी आपकी और साथ में क्या थी आपका बैंड विड्स जो थी रिक्वायर्ड किसके लिए ट्रांसमिशन के लिए ओवर द नेटवर्क या इंटरनेट पे तो वो भी क्या हो रही थी आपकी रिड्यूज़ हो रही थी आपकी इमेज कंप्रेशन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डिजिटल इमेज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अब व्हाट इज द इमेज इमेज बेसिकली इज द इंफॉर्मेशन प्लस द रिडिडेंट डेटा इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन में क्या होती है पर्टिकुलर आपकी एक तो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है और कुछ आपका क्या होता है एक इनरेलीवेंट या फिर आपका क्या होता है अननेसेसरी आपका डेटा होता है या फिर आपके डेटा की इंफॉर्मेशन की एक कॉपी होती है आपकी जिससे कि आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा इमेज पे तो अपन को अभी क्या करना है जो आपका रिडेंडेंट डेटा है बेसिकली उसको क्या करना है इमेज से अपने को रिमूव करना है बेसिकली तो उसके बाद में आपकी इमेज जो होगी तो इमेज क्या हो जाएगी ओनली इमेज इक्वल टू इट इज़ केवल इंफॉर्मेशन आपकी रिमेनिंग बचेगी उसमें से जो भी आपका रिडेंडेंट डेटा होगा अनरिलेवेंट डेटा होगा अननेसेसरी आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा आपके इन रिडेंडेंसी में आपका रिडनडेंट डेटा आपका रिमूव हो जाएगा इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स फोल इंटू टू कैटेगरीज अपन जो इमेज कंप्रेशन की टेक्निक्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में अपने लास्ट क्लास में बात की थी कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था वी डिवाइड इन टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज़ द लोस लेस लोस लेस में आपकी क्या थी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिजर्व रहती है और लोस कंप्रेशन रेशियो होता है इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है आपका मिनिमम रहता है आपका और सेकेंड वन इज़ द लोसी नोट इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व आपकी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व नहीं रहती है हाई कंप्रेशन रेशियो होता है इसमें आपका पर्टिकुलर लोसलेस में आपका रिकंस्ट्रक्शन इमेज का इजी होता है आप इजीली क्या कर सकते हो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इमेज को यहां पे आप अगर इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो वहां पे आपकी ओरिजिनल इमेज में से कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वहां पे हो जाती है आपके किस में आपके लोसी टेक्निक में इन नेक्स्ट क्लासेस वी डिस्कस अबाउट लोसलेस एंड लोसी स्टडी अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कंप्रेशन ओके नाउ वी स्टार्ट वॉट इज द रिडनडेंसी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉट इज द रिटनडेंसी रिटनडेंसी बेसिकली क्या है दैट इज द अनरिलिवेंट अन डेटा दैट इज नोट इफेक्ट द ओरिजिनल इमेज तो उसको क्या करना है अपने को इमेज से आपको डिलीट करना है या फिर उसको रिमूव करना है पर्टिकुलर इमेज से दैट इज कॉल्ड रिडनडेंसी बेसिकली डिजिटल इमेज और बिट मैप कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ डोर्स और फिक्सल्स विथ ईच फिक्सल डिफाइंड बाई ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट गिवस

डिटेल्स होंगे कि टेन नंबर ऑफ पे आपका रिपीट हुआ है ट्वेल्व पे हुआ है जहाँ भी आपका रिपीट हुआ है उन सबको आप क्या कर सकते हो उनको काउंट करके क्या कर सकते हो एक ही फ्रेम में आर के साथ में रेड कलर के साथ में क्या कर सकते हो मैंसन कर सकते हो तो ये सब क्या कर सकते हैं अपन इसको क्या कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड रिटर्न बेसिकली अपने को अननेसेसरी डेटा को रिड्यूज करना है द टर्म डेटा कंप्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन different amounts of data might be used to communicate the same amount of information in the same information can be represented using different amounts of data it is reasonable to believe that the representation that requires more data contains <laughs> वाट इज़ टेक्निकली कॉल्ड डेटा रिडेंडेंसी आप डेटा रिडेंडेंसी किसे बोल सकते हो जो आपका पर्टिकुलर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन के साथ में जो आपको इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो आपका उसी का पर्टिकुलर डेटा क्या है आपके पास में दूसरे सेम इंफॉर्मेशन के साथ में आपका जो भी नेबर आपका पिक्सल होता है पर्टिकुलर किसी भी इमेज में तो वो भी क्या कर रहा है उन उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और उसको वो भी क्या कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर आपकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी या प्रीवियस पिक्सल्स की जो इंफॉमेसन थी का जो नियर बाई फिक्सल है वो भी क्या कर रहा है उस इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके क्या कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस ऐसे डेटा को टेक्निकली क्या बोलते हैं वी आर कोल्डा रिडंडेंसी और अपने को रिडंडेंसी में बेसिकली क्या करना है वी वांट टू रिमूव दि टाइप ऑफ डेटाज फ्रॉम इमेज ओके इट कंटेंस डेटा आपके रिटेंडेंसी में बेसिकली क्या होता है डेटा एंड वर्ड्स दैट आई प्रोवाइड नो रिलीवेंट इफॉमेशन और सिंपली रीसेट द विच इज ऑलरेडी नोन क्या हो सकता है जो मैंने बताया कि आपकी इन्फॉर्मेशन थी किसी पर्टिकुलर फिक्सल की इस फिक्सल की जो इन्फॉर्मेशन थी उसका नेबर फिक्सल है इसके साथ में भी इसकी इंफॉर्मेशन आपकी एड है बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको तो इसको क्या कर सकते हो आप रिमूव कर सकते हो आपको डेटा रिटेंडेंसी इज ए सेंट्रल इश्यू इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग If n1 and n2 denote the number of information carrying units in two data sets that represent the same information, the relative data redundancy that is called RD. RD is the relative data redundancy of the first data set, the one. करेक्टराइज बाई एन वन कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव डेटा रिटेंडेंसी आर डी ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट इज डिफाइंड बाई अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो किसको आपके रिलेटिव रिटेंडेंसी को वो क्या होगी आपकी आर डी इजिकल टू वन माइनस वन अपॉन सी आर अब आपका आर डी क्या है आपका दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेटा रिटेंडेंसी एंड सी आर क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है अपने को इन केस अगर आपको क्या डेटा रिटेंडेंसी फाइंड आउट करनी तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना होगा उसके लिए आपको अब बात करते हैं कि मेरे पास में क्या है था मैंने अपन ने बात की है कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी डेटा सेट है आपकी क्या है ये कोई भी आपकी ओरिजिनल इमेज है इसमें आपका जो डेटा सेट है वो क्या है आपको यहाँ पे उसको क्या बोला है आपने एन वन बोला है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है आपके पास में जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिड्स हैं उनकी कितनी की रिक्वायरमेंट है आपको इनके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आपको एट नंबर ऑफ बिड्स की रिक्वायरमेंट है जो आपका एन वन या ओरिजिनल आपका डेटा सेट है उसके बाद में आपने क्या किया पर्टिकुलर डेटा का यहाँ पर आपने क्या किया आपने डेटा को कंप्रेस किया जैसे ही आपने डेटा को यहां से कंप्रेस किया आपका डेटा क्या हो जाएगा किस सेट में कन्वर्ट हो गया एन टू में और यहां पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स की रिक्वायरमेंट फोर है, है आपकी तो आपका पर्टिकुलर आप आरडी कैसे कर सकते हो आपका आरडी क्या था बेसिकली आपका आरडी इज द रिलेटिव क्या थी आपकी अपॉन सी आर था अपन को और अपन सी आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वी आर कैलकुलेट सी आर इजिकल टू एन वन बाई एन टू तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आपका सी आर कितना हो जाएगा आपका टू होगा आपका तो यहां से आप क्या कर सकते हो आपकी जो आपकी रिलेटिव रिटेंडेंसी है वो क्या कर सकते हो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्या बताया कि कैसे आपकी एन वन और एन टू जो अपने अभी बात की है वो कैसे आपका वर्क करेगा आपका पर्टिकुलर एन वन और एन टू ओके सी आर रेफर्स द कंप्रेशन रेशियो एंड इट इज़ डिफाइंड बाई सी आर क्या होगा आपका जो अभी अपन ने बात की थी वॉट इज द सी आर एन वन अपॉन एन टू क्या होगा आपका सी आर होगा सी आर इज द कंपरेशन रेशियो जैसे मैंने अभी बताया था आपको मैंने एन वन क्या लिया मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट थी मुझे आठ की रिक्वायरमेंट थी और एन टू क्या लिया मैंने यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट थी मुझे फोर की रिक्वायरमेंट थी तो वॉट इज द सी आर सी आर इज द आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू और टू हो जाएगा इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो रिलेटिव रिटेंडेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो वेर एन वन एंड एन टू डी द कैरिंग कैरियर इन टू डेटा या इमेज आपकी कंप्रेस्ड इमेज है आपकी इफ वी हैव डिफरेंट कंडीशन इफ एन वन इज इक्वल टू एन टू देन आपका अगर एन वन और एन टू क्या है आपका इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका Compression ratio क्या होगा आपका वन होगा आपका कैसे वन होगा आपके पास में अगर आपको यहाँ भी आपका एट है यहां भी आपका एट है तो आपका क्या हो जाएगा आपका सीआर क्या होगा आपका वन हो जाएगा अगर सी मेरा वन है तो आप क्या होगा यहाँ से आप relative redundancy कैसे found, find out कर सकते हो वन माइनस वन अपोन सी क्या है मेरा यहाँ पे वन है आपका तो आपका यहाँ पे रिलेटिव रिटेंडेंसी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इफ एन वन इज इक्वल टू एन टू देन सी आर इज वन एंड आर डी इज इकल टू जीरो इंडिकेटिंग दैट द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन कंटेंस नो रिडंडेंट डेटा आपका क्या है आपके पास में अगर आपकी आपका कंप्रेशन रेशियो वन है या फिर आपके पास में जो रिलेटिव रिटेंडेंसी है वो क्या आ रही है आपकी जीरो आ रही है तो आप क्या बोल सकते हो आपके जो डेटा सेट्स हैं उसमें जो रिडनडेंट डेटा है वो क्या है आपका आपका नो रिटनडेंट डेटा है कोई रिटेंडेंट डेटा आपका यूज नहीं हुआ है पर्टिकुलर किसी भी इमेज में अब अप अपने पास में सेकंड कंडीशन है इफ व्हेन एन टू लेस देन एन वन तो आपका सी आर क्या होगा एक लार्ज वैल्यू होगी आपके किसकी कंप्रेशन रेशियो की आपकी क्या होगी है कि लार्ज वैल्यू होगी जैसे मैं बात करता हूं आपका यहां पे क्या है एन टू क्या है यहां पे अगर मैं फोर लेता हूं यहां पे तो एन टू आपका लेस देन है किससे आपके एट से आपका एट क्या है आपका एन वन है तो यहां पे कंप्रेशन रेशियो क्या होगा आपके पास में एक लार्ज वैल्यू होगी और आप जब भी आर डी काउंट करोगे तो वो क्या होगा आपके पास में वन या फिर वन से आपकी ग्रेटर देन होगी लार्जर वैल्यूज ऑफ सी इंडिकेट्स द बेटर कंप्रेशन रेशियो आपके क्या करेगा जितनी वैल्यू आपके सी आर की होगी उतना ही क्या होगा आपका कंप्रेशन रेशियो आपका इंक्रीज होता जाएगा अब जैसे आपका सी आर इंक्रीज होगा तो आपका जो डेटा टेक्निक्स थी वो कौन सी आती है आपका लोसी डेटा होता है पर्टिकुलरली जो टेक्निक होती है जब भी आपका कंप्रेशन रेशियो हाई किस में होता है बेसिकली आपके लोसी टेक्निक में कंप्रेशन टेक्निक में होता है जब आपका पर्टिकुलर आपका एक कंप्रेशन रेशियो मिनिमम रहता है तो वो कौन सी टेक्निक में रहता है दैट इज कॉल्ड नॉन लेसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसमें आपका कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है किसमें आपका कंप्रेशन रेशियो लो रहता है या फिर मिनिमम रहता है लॉसलेस एंड लोसी टेक्निक्स डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स ओके अब इसी को अपन दूसरे दूसरे वे के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं इफ़ वी लेट बी वन एंड बी टू डिनोटेट द नंबर ऑफ बिट्स इन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन द रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी आर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विद द बी बिट्स इज आर इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन सी आपका सी क्या है यहाँ पे सी इज कंपनी कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन सी कैसे फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे अगर वहाँ पे मैंने एन वन एन टू लिया था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बी एंड बी डैश आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो और अगर आपके पास में कंप्रेशन रेशियो है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप आर डी रिलेटिव रिटेंडेंसी आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो जिसका फॉर्मूला क्या है आपका वन माइनस वन अपॉन आपका सी या आपका सीआर आपका क्या है आपका रिलेटिव रिटेंडेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके थ्रू तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिडेंडेंसी है बेसिकली अब बात करते हैं कि वी आर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ रिडेंडेंसी इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग अब थ्री प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ डेटा रिडेंडेंसीज यूज इन इमेज कंप्रेशन बेसिकली अपन इमेज कंप्रेशन के लिए कितने टाइप ऑफ रिडेंडेंसीज यूज कर सकते हैं वी आर यूज द थ्री टाइप ऑफ रिडेंडेंसीज फर्स्ट वन इज द कोडिंग रिडेंडेंसी सेकेंड वन इज द इंटरफिक्सल रिडेंडेंसी थर्ड वन इज द साइकोविजुअल रिडेंडेंसी वट इज़ द कोडिंग रिडेंडेंसी बेसिकली इन केस अगर मेरे पास में ये क्या है कोई भी एक इमेज यहाँ पे मेरे पास में शो हो रही है अगर मैं बात करता हूं तो कोडिंग रिडेंडेंसी में क्या होता है कि आपके पास में क्या होते हैं कि सम ग्रे लेवल्स आर मोर कॉमन देन अदर्स आपके पास में कुछ ग्रे लेवल्स क्या होते हैं आपके पास में अगर इस इमेज के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रे लेवल है ये आपका क्या है आपका कॉमन ग्रे लेवल है इसका ग्रे लेवल आपका कुछ अलग है इसका ग्रे लेवल आपका कुछ अलग है इसका आपका अलग है बट ये वाला ग्रे लेवल कैसा है आपका कॉमन ग्रे लेवल है और जो कॉमन ग्रे लेवल्स होते हैं उनको

अब उसके बाद में सेकेंड आती है आपके इंटरफिक्सल रिटेंडेंसी क्या होती है बेसिकली द सेम ग्रे लेवल कवर्स लार्ज एरिया आपके पास में सेम ग्रे लेवल जब आपके पास में दो अगर फिक्सल्स हैं आपके नेबर फिक्सल्स की अपन ने बात की थी जब अपन ने क्या किया था नॉर्मलाइजेशन किया था फिक्सल्स का एवरेज फाइंड आउट किया था फिक्सल्स का तो वैसे ही आपके ग्रे लेवल्स क्या होते हैं कि जब सेम ग्रे लेवल्स होते हैं आपके रिलेटिव होते हैं आपके पास में एक ग्रे लेवल दूसरे ग्रे लेवल्स के साथ में तो वहाँ पर आपकी कौन सी रिटेंडेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटर फिक्सल अब थर्ड आती है आपकी साइको विजुअल रिटेंडेंसी ये जो साइकल साइको विजुअल रिटेंडेंसी आती है ये ह्यूमन विजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि कुछ ऐसे आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में जो कलर्स हैं कुछ लिमिटेड कलर्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं ह्यूमन आई के थ्रू विजुअल कर सकते हैं तो उन कलर्स को अपन इमेज में रख सकते हैं और जो आपके अननेसेसरी कलर्स हैं आपके जिनको आपकी ह्यूमन आई विजुअल नहीं कर रही है तो वो कलर कैसे हो गए आपके इन रिलीवेंट कलर्स हो गए या फिर इन रिलीवेंट ग्रे लेवल्स हो गए तो उनको क्या कर सकते हैं अपन रिमूव कर सकते हैं जैसे अपन अगर द आई कैन ओनली री सोल्व थर्टी टू ग्रे लेवल्स लोकलली अपनी जो आई है वो कितने ग्रे लेवल्स को एक्सेप्ट करती है बेसिकली थर्टी टू ग्रे लेवल्स को करती है अगर थर्टी टू ग्रे लेवल्स के अलावा कोई भी नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स है जिनको अपने लिए वो विजेबल ही नहीं है अपने लिए क्या है वो अनरिलेवेंट है अपने को नोन ही नहीं है कि पर्टिकुलर इमेज में वो ग्रे लेवल्स हैं या नहीं है तो उनको क्या कर सकते हैं अपन रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अपनी जो आई है जिनको ग्रे लेवल्स को देख रही है वो अपने को विजेबल है जो विजेबल नहीं है उनको क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं जो आपके इन आपके ग्रे लेवल्स हैं उनको अपन इमेज से रिमूव कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइको विजुअल रिडनडेंसी अब नाउ वी स्टार्ट वन बाय वन अबाउट दिस थ्री फर्स्ट वन इज द कोडिंग रिडेंडेंसी अब व्हाट इज द कोडिंग डेंसी बेसिकली कोडिंग रिटेंडेंसी में आपके पास में क्या हो गया कि पर्टिकुलर जो भी ग्रे लेवल्स आपके रिपीट हो रहे हैं आपके पास में जो भी यूनिक हैं सेपरेट ग्रे लेवल्स हैं उनके लिए अपन क्या फाइंड आउट करते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक कोड के थ्रू अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें किसमें कोडिंग रिटेंडेंसी में तो उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर आपके एक कोड के लिए जितने भी नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स आपके रिपीट हुए हैं वो उसी कोड में अपन क्या कर सकते हैं उसको मैंसन कर सकते हैं तो कोडिंग रिटेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन है सेम इंफॉर्मेशन है किसी भी इमेज में उसको किसमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कोड में अपने को रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग रिटेंडेंसी इफ द ग्रे लेवल ऑफ एन इमेज आर कोडेड इन ए वे दैट यूज मोर कोड सिंबल्स देन एबसुलटली नेसेसरी टू रिप The रिप्रजेंट ईच ग्रे लेवल देन द रिजल्टिंग इमेज इज सेट टू कंटेंट कोडिंग रिडेंडेंसी अपन पर्टिकुलर आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हैं आपके जो भी सेम ग्रे लेवल्स से, हैं उनके लिए अपन अगर कोड के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग रिडेंडेंसी अब व्हाट इज़ द कोड बेसिकली ए लिस्ट ऑफ सिंबल्स अपने कोड में क्या होते हैं लिस्ट ऑफ सिंबल्स होते हैं उसमें लेटर्स हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं बिट्स हो सकती हैं अपनी अब कोड वर्ड बेसिकली क्या होता है ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट ए फीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इवेंट एग्जाम्पल क्या आपके नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कोड वर्ड लेंथ आपकी क्या हो सकते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स इन ईच कोड वर्ड आपके पास में कितने कोड वर्ड सकते हैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर सकता हूँ तो कोड मेरा क्या हो सकता है कि वॉट इज द कोड इज़ द बाइनरी कोड हो सकता है सिंबल क्या हो सकते हैं बाइनरी कोड में सिंबल्स कौन से यूज़ करते हैं अपन जीरो और वन यूज़ करते हैं अगर मेरे पास में जो भी नंबर ऑफ ले अब मेरे पास में पर्टिकुलर क्या है आपके पास में ग्रे लेवल्स हैं उनकी मेरे पास में पर्टिकुलर कोड की लेंथ क्या हो सकती है यहाँ पे थ्री हो सकती है अब वो कैसे हो सकती है मैं बेसिकली अब जीरो को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरे पास में थ्री जीरो 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 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं जीरो जीरो वन रिप्रजेंट कर सकता हूँ टू को आप बाइनरी कोड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जीरो वन जीरो रिप्रजेंट कर सकते हो तो ये बेसिक क्या हो गया आपके इनकेस अगर मेरे पास में कोई भी ग्रे लेवल्स हैं अगर मैं उनको कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो किस में आएंगे आपके कोडिंग रिटेंडेंसी में आएंगे अगर मैं बात करता हूँ कि कोडिंग रिटेंडेंसी में आप कैसे मैंसन कर सकते हो पर्टिकुलर कोर्ड्स को तो अपन ने बात की थी कि आपके पास में क्या है अपने एक स्ट्रिंग लेके बात की थी आपका पर्टिकुलर मेरे पास में ए ए था आपका इसके लिए आप ए के लिए कोई भी कोड मेंशन कर सकते हो कि जैसे मैंने ए के लिए क्या ले लिया इनकेस अगर मैं ए के लिए ओमेगा यूज कर सकता हूँ तो ओमेगा आपका कितना हो गया आपके पास में ओमेगा ए हो गया आपका फोर टाइम्स हो गया तो बेसिकली इट इज ए कोड हो गया आपका और इसकी लेंथ क्या हो गई यहाँ पर मैंने लेंथ कितनी ली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैंने थ्री ली है तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या हो गई यहाँ पर आपका एक आपका सिंबल हो गया एक आपका पर्टिकुलर करेक्टर हो गया और उसके बाद में क्या हो गया कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है तो आप ये किस में कर सकते हो दैट इज कॉल कोडिंग रिडनडेंस आप इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट कितनी कितनी थी अगर इसको पर्टिकुलर इस डेटा को इस डेटा को इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इसको फोर बिट्स की रिक्वायरमेंट थी इसको तो यहाँ पे अगर एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर बिट्स की रिक्वायरमेंट थी तो टोटल रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने डेटा की रिक्वायरमेंट होगी इसको फोर मल्टीप्लाई बाई फोर इज टू सिक्सटीन हो गई और यहाँ पे कितने रिक्वायरमेंट होगी इसको अगर इसके लिए इसको फोर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए फोर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए फोर की रिक्वायरमेंट है तो यहां पे कितनी हो गई आपकी दैट इज ट हो गई आपके तो यहाँ पे अगर मैं कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एक कंप्रेशन रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे ये आपका क्या हो गया अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो ये आपका एन वन हो गया ये क्या हो गया आपका एन टू हो गया आपका तो इससे क्या कर सकते हो आप सिक्सटीन को सिक्सटीन को आप डिवाइड कर सकते हो कस से आपके ट्वेल्व से तो ये क्या हो गया आप यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो और कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से आप यहाँ से रिलेटिव आउट कर सकते हो तो ये आपकी हो गई क्या वॉट इज दिटेंडेंसी बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड टू रिड्यूस द डेटा यूज टू रिप्रेजेंट इट गिवन द नॉर्मेलाइज हिस्टोग्राम ऑफ ए ग्रे लेवल इमेज वेयर पी आर मल्टीप्लाई बाई आर के इज इकल टू एन के अपॉन एन के क्या है आपके पास में ये आपके ग्रे लेवल्स हैं जीरो टू आपके टू फिफ्टी सिक्स तक तो एल माइनस वन आपके टू फिफ्टी फाइव तक आपके क्या होंगे बेसिकली दैट इज़ द ग्रे लेवल्स हो गए आपके तो आर के इज द डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरवेल जीरो एंड वन आर पी आर के इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओक्रर के एल इज द नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स आपका पर्टिकुलर कोई भी आपका जो ग्रे लेवल है वो कौन सा है अगर मैं बात करता हूँ अगर मेरे पास में यहाँ पे आर के है तो आपका आर के कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ है वो किस में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्रेंस में आएगा आपका और एल क्या है आपके पास में नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हैं आपके एन के इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट केथ ग्रे लेवल इज अपियर आपके पास में आपके पास में पर्टिकुलर जो भी आपके पास में एन के क्या होगा वहां पे जो भी आपके पास में ग्रे लेवल था आपके पास में कोई भी टाइप ऑफ ग्रे लेवल से वो कितने बार आपका रिपीट हुआ एन इज द टोटल नंबर ऑफ फिक्सल्स एन इमेज आपके टोटल नंबर ऑफ फिक्सल कितने हैं इमेज में वो कैसे काउंट करते हो आप एम इंटू एन के थ्रू आप काउंट करते हो कि आपकी इमेज की साइज क्या है या नंबर ऑफ फिक्सल्स कितने हैं आपके वो किसके अकॉर्डिंग करते हो आपके नंबर ऑफ फिक्सल्स आपको जो मैंसन होते हैं इमेज की साइज उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्या आता है एक आपके पास में टोटल नंबर ऑफ आते हैं किसी भी इमेज के तो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इच पिक्सल इज गिवन बाई अब आपको क्या करना है एल एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो सकता है आपके पास में इजिकल टू एल आर के पी आर और आप किससे मल्टीप्लाई होगा आपका पी आर इज इकल टू आर के तो एल आपका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे पी आर से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वेयर एल आर के इज द नंबर ऑफ बिट्स आपके टोटल तो तो एक नंबर ऑफ फिक्सल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपको बिट की रिक्वायरमेंट है वो आपके यहाँ पे आ रही है अगर यहाँ पे आपको किसकी रिक्वायरमेंट है आपको फोर बिट्स की रिक्वायरमेंट है यूज टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू ऑफ आर के यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे ईच वैल्यू ऑफ आर के अगर पर्टिकुलर बिट की रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फोर बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरा डाटा क्या है मेरे पास में इनकेस अगर मेरे पास में डेटा की लेंथ फोर है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या क्या हो गए? आपकी 16 हो आपकी गई वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो आप आप एल एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो ग्रे लेवल्स का आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो आप पर्टिकुलर के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो यहां से आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो और आप इसको क्या कर सकते हो उसका समेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके साथ में आप समेशन भी एड कर सकते हो इसमें पर्टिकुलर कोडिंग रिटेंडेंसी में